सो हेलो गाइस, ये है मोटो एज 50 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसके ना टॉप 30 प्लस फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। फर्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ना बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। मैं आपको सभी फीचर्स बताने वाली हूँ, बस आप ना वीडियो का एंड तक देखना। तो आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, यहाँ से आपको पर्सनलाइजेशन पर आना है। अब आपको यहाँ पर ना बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन। आप यहां से लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहां लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो आप यहां से लॉक स्क्रीन में इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। इफेक्ट पर क्लिक करना, आप जूम वाला या फिर ये वाला रबर वाला, आपको जो भी पसंद हो आप यहां से इफेक्ट डाल लीजिएगा। आपकी लॉक स्क्रीन में कुछ इस टाइप से इफेक्ट वगैरह आने वाले हैं। और इसी के साथ आपको यहां पर स्टाइल भी मिल जाती है, तो आप इनकी अलग अलग स्टाइल भी रख सकते हैं। आपको जो भी स्टाइल यहां पर पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और अदर पर हम क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्राइट करना है आपको, ब्लर करना है या फिर नॉन रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आना है। इसी तरह आप यहाँ से ना होम स्क्रीन भी कस्टमाइज कर सकते हैं। होम स्क्रीन में भी आप यहाँ पर इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, स्टाइल मिल जाती है, एनिमेशन मिल जाते हैं। तो आप अपने आपको जो जो स्टाइल पसंद है, एनिमेशन वगैरह पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। चलिए अब बैक आ जाना है आपको। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आप यहां पर माय फोटो पर जाएंगे तो यहां पर गैलरी में आकर आप अपनी फोटो को भी लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। अब बैक आ जाना आपको। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपने यहां पर AI जनरेटेड वॉलपेपर सेट भी कर सकते हैं। आपको यहां पर क्लिक कर लेना है और अब आप यहां पर कैप्चर फोटो कर लेना या फिर सेलेक्ट फोटो। आप गैलरी में जाके जो भी फोटो वगैरह सेलेक्ट करेंगे ना, वो यहां ऑटोमेटिकली AI में जनरेट हो जाएगी। तो आपको जो भी फोटो रखना है आप रख लीजिएगा। अब बैक आना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए। आपको यहाँ डायनेमिक भी मिल जाते हैं तो क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ना बहुत सारे लाइव वॉलपेपर वगैरह मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से, ये शार्क वाला हो गया या फिर ये वाला, जो भी आपको लाइव वॉलपेपर पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिएगा। सिंपली आपको सेटे वॉलपेपर पर करना है। अब बैक आएंगे आप नेक्स्ट फीचर्स। आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे वॉलपेपर वगैरह दिए गए हैं, तो जो भी आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बैक जाना है और आपको यहाँ ना इमेज पर क्लिक देना है। यहाँ से आप डार्क थीम अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ आपका जो फोन का लुक है ना एकदम डार्क वगैरह हो जाता है, इससे जो आपकी बैटरी है वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। अभी मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। नेक्स्ट आपको बैक आ जाना है और भी बैक आना है यही सेटिंग पर, पर्सनलाइजेशन वाली सेटिंग पर। यहाँ मिल जाएंगे आपको थीम्स, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। जो भी थीम्स आपको पसंद हो आप रख लीजिएगा। यहाँ पर ये मोटो का थीम दिया है, डिफॉल्ट वगैरह, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। अब गाइस मैं आपको ना शॉर्टली में बता रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आपको जो भी यहाँ पर थीम्स पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बैक आना है और यहाँ पर आप फॉन्ट पर आ जाएंगे। यहाँ से आप ना फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी स्टाइल रखना है या फिर साइज रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। आप बैक आएंगे, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आइकन शेप तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से आइकन के शेप को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको आइकन का शेप रखना है आप रख लीजिएगा। अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ पर आप ना लॉक स्क्रीन पर आना है। अब आप यहाँ से ना अपनी लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लॉक के स्टाइल वगैरह मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब बैक आना है आपको यही लॉक स्क्रीन पर। आप यहां पर क्लिक करके यहां पर भी नोटिफिकेशन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप रख लेना। नेक्स्ट फीचर्स, आपने यहाँ पर ये जो आइकन देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको अब जो भी यहाँ पर चेंज करना, मतलब कि आप यहाँ पर YouTube नहीं दिखाना चाहते और कुछ फीचर्स दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जो भी पसंद हो आप रख लीजिएगा। अब बैक आना है, आप यहाँ पर क्लिक कर देना तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट को रख सकते हैं। राइट शॉर्टकट और लेफ्ट शॉर्टकट दोनों ही आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर रख पाएंगे। नेक्स्ट अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज मिल जाता है, तो आप डिस्प्ले साइज चेंज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली फीचर्स होते हैं, सभी को पता होंगे। अगर आप टेक्स्ट को हाई कॉन्ट्रास्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे ऑन कर लेना है, तो वो कुछ इस टाइप से हाई कॉन्ट्रास्ट में हो जाते हैं। और यहाँ से आपने डिस्प्ले के साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ आपको UI कलर मिल जाती है तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से अपनी सारी UI के कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल सेंटर निकालूंगी
तो अभी आप ये देखो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, मतलब कुछ इस टाइप से कलर आपको मिल रहा है। आप यहाँ से इनके कलर को चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ रेड कलर रख देती हूँ, वो रेड कलर की हो गई है। तो कुछ इस टाइप से आप पूरे फोन की यूआई चेंज कर सकते हैं। और अगर आप जिस कलर का आपका वॉलपेपर है उसी कलर के आइकन वगैरह होना चाहिए तो आप यहाँ इसे भी ऑन कर दीजिए, तो उसी कलर के यहाँ पर आइकन वगैरह भी हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब आपको बैक आना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ पर लेआउट मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह लगा सकते हैं, यहीं से आप डार्क थीम लगा पाएंगे। आप ये तो नॉर्मल फीचर्स होता आपको पता ही होंगे, ये अभी ट्रांसपेरेंट है। अभी आप यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन पैनल, ये ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पर इसे डार्क कर सकते हैं या फिर लाइट भी कर पाएंगे। अब बैक आना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ एज लाइटिंग पर आ जाना है। यहाँ से आप ना एज लाइट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी ना तो इस तरह से कर्व में लाइट वगैरह जलने वाली है। अब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है या फिर अलार्म वगैरह बजेंगी या फिर आप कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना तो इस तरह से एज लाइट वगैरह यहाँ पर ब्लिंक करने वाली है आपके कर्व में। तो एज लाइट का क्या कलर होना चाहिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आ जाना है और भी बैक आना है यहीं सेटिंग पर, यहाँ गेस्चर पर आना है। यहाँ पर आपको काफी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि साइड बार, तो क्लिक कर देना है और ये ऑफ रहेगा आपका तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ से कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो ये साइड बार आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती है, तो आप यहीं से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ना यहाँ पर तीन तीन एप्लीकेशन भी एक साथ चला सकते हैं, वो कैसे चलाएंगे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये ऑफ रहेगा तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ये फीचर्स ना काफी ज्यादा कमाल का है। देखो हम यहाँ होम स्क्रीन पर आएंगे और आपको किसी भी एप्लीकेशन को पहले तो ओपन कर लेना है। अब आपको कुछ इस टाइप से करना है तो नीचे आप प्रीवियस ऐप पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, गैलरी को ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं दो दो एप्लीकेशन आप एक साथ चला पाएंगे। इसके अलावा आप ऐसा साइड से साइड बार ओपन करिएगा और यहाँ पर एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेना। अब आप यहाँ से तीन तीन एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग करने के लिए फीचर्स काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो आप इसे जरूर से यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यही सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ नीचे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है तो यहाँ पर आपको थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट दिया गया है, तो आप इसे भी ऑन कर लेना, नहीं तो ये पहले से ऑन तो रहता ही है। नेक्स्ट फीचर्स, आप ना किसी भी विंडो को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन आप ना कुछ इस टाइप से करना और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो विंडो है वो फ्लोटिंग विंडो में आ गई है और आप यहाँ से इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर पाएंगे कुछ इस टाइप से। और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड भी हो जाती है, आप ऐसा करेंगे तो हाइड हो जाएगी और आप यहीं से इसे ओपन भी कर सकते हैं। और गाइस इसमें आपको ना बहुत सारे गेस्चर मोड भी मिल जाते हैं, तो मैं आपको सभी फीचर्स बताने वाली हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर जाना है डबल प्रेस पावर की, यहाँ पर क्लिक करके आपको ना यहाँ पर कैमरा लॉन्च पर कर लेना है। अब आपका फोन बंद रहेगा या फिर होम स्क्रीन पर रहेगा, आप ये पावर बटन को डबल बार प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पिक अप टू साइलेंट पर आना है, ये ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है और आप फोन को जैसे ही अपने हाथ पे लेंगे तो ऑटोमेटिक ही कॉल साइलेंट पर चली जाती है। अब बैक आएंगे आप नेक्स्ट फीचर्स के लिए, और भी बैक आ जाना है आपको, और यहाँ आपको डिस्प्ले पर आ जाना है। डिस्प्ले में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट जो काम के हैं मैं आपको वही बताने वाली हूँ। यहाँ से आप कलर पर आ जाइएगा, आप यहाँ से ना डिस्प्ले के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको नेचुरल रखना है या फिर वीवेंट वाला रखना है, आप अपने मर्जी से रख लीजिएगा। वीवेंट में जो कलर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं और आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर को कस्टमाइज भी कर पाएंगे। अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए, यहाँ मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो क्लिक कर देना है। अभी ये ना ऑटो पर है, आप 120 हर्ट्ज पे करना चाहें तो 120 हर्ट्ज कर लेना, अगर आप 144 हर्ट्ज पे करना है तो 144 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो में रखेंगे तो जिस एप्लीकेशन को 120 हर्ट्ज की जरूरत होगी तो वो 120 हर्ट्ज पर रन करेंगी, जिसे 60 हर्ट्ज की जरूरत होगी तो वो 60 हर्ट्ज पर रन करेंगी, मतलब ऑटोमेटिकली ये ना एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी स्पीड कम ज्यादा होती है यहाँ पर। यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हैं, अभी ये 30 मिनट का है, मिनिमम आपका ना यहाँ पर 15 सेकंड का होना चाहिए। अब बैक आना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए, और यहाँ आपको स्वाइप टू फ्लिप पर आ जाना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ, कुछ
टाइप से करेंगे तो नीचे एक और एप्लीकेशन आ जाते हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके दो एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। अब बैक आ जाइएगा, आप नेक्स्ट फीचर्स के लिए यहाँ नोटिफिकेशन पर आना है। अब देखो व्हाट्सएप की डिलीट एवरीवन वाली मैसेज जो डिलीट हो जाती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं और पहले ही सामने वाला बंदा डिलीट कर लेता है। अगर आपको वो मैसेज पढ़ना है तो यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आना, ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना है। अब 24 घंटे की जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी ना यहाँ पर सेव हो जाती है, तो आप यहाँ से उन नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और व्हाट्सएप की जो डिलीट एवरीवन वाली मैसेज है ना उसे भी आप यहाँ से रीड कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए, तो यहाँ बबल्स पर आना है, ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना। अब आपके पास कोई भी मैसेज आती है आप उस बबल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं, आपको डायरेक्टली मैसेज ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है। अब बैक आ जाइएगा आप नेक्स्ट फीचर्स के लिए और यहाँ आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ से आप अभी ये जो कंट्रोल सेंटर देख रहे हैं ना इसे चेंज कर सकते हैं। ये ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर है, अगर आप न्यू वाला करना चाहते हैं तो यहाँ कंट्रोल सेंटर पर आना और आप यहाँ मॉडर्न स्टाइल पर कर लेना। अब आप ये देख सकते हैं ये मॉडर्न स्टाइल वाला कंट्रोल सेंटर आ गया है, तो आपको जो भी रखना है आप यहाँ से रख लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ लॉक स्क्रीन पर आ जाना है और नीचे आपको जंप टू लॉक स्क्रीन पर आना है, ये ऑफ रहेगा तो इसे आपको ऑन कर लेना है। अब देखो आपका फोन कुछ इस टाइप से बंद रहेगा और आप ऐसा डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फोन ऑन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग पर ही आना है और यहाँ पुट द डिस्प्ले टू स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप ऐसा कहीं भी डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक फोन बंद हो जाएगा और यहाँ डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा।